चले प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैम चक्रवर्ती जीके जीएस की श्रृंखला में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग बिहार स्पेशल के आज पार्ट टू लेकर आए हैं और यह जो श्रृंखला चालू किए हैं मुख्य रूप से बिहार दरोगा जो आगामी परीक्षा आने वाला है, बिहार पुलिस है, और जो अभी फिलहाल आपको 19 अगस्त से आपका जो BPSC जो टीचर वाला है ना, टीचर का एग्जाम का घोषणा किया, उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है बिहार स्पेशल से। तो आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के बीच में इसे शेयर करें, अपने साथियों के बीच शेयर करें, जिससे सभी लोग इससे लाभ ले सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। ठीक है, पहला सवाल कहता है पटना नगर निगम का स्थापना कब हुआ, तो 1952 में। पटना नगर निगम का स्थापना पूछेगा कब किया गया, तो 1952 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब होता है, तो 1950 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का स्थापना कब, तो 1950 में। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का घोषणा कब करते हैं, तो 5 जून 1974। 5 जून 1974। और संपूर्ण क्रांति कौन चला रहे हैं बिहार से, तो जयप्रकाश नारायण इसके नेता माने गए थे। ठीक है, 5 जून 1974 को। मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चंदन झा। मिथिला रामायण का लिखने का श्रेय किसे दिया गया, चंदन झा। रामायण सिर्फ बोलेगा मिथिला नहीं बोलेगा, सिर्फ रामायण तो वाल्मीकि जी। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर कौन, भिखारी ठाकुर। बिहार को किला के नाम से जानते हैं, शारदा सिन्हा जी को। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए, ठीक है ना, बिहार में कौन सी पंचायती व्यवस्था है त्रिस्तरीय, जो बलवंत राय मेहता लाए थे, बलवंत राय मेहता, तो त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया, तो 2001 में, वर्ष 2001 में। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब होता है, 1916 में। पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब, 1916 में। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है, तो इसकी सर्वप्रथम जो मिलेगा सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था, तो बिंबिसार के अधीन हुआ था और हर्यक वंश का संस्थापक था। कहेगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ, तो बिंबिसार के अधीन, और बिहार उस कहेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन, तो बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र में कब आया, तो 315 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और भारत जब आता है तो किसका दूत बनकर, सेल्कुस निकेटर का दूत बनकर, और इंडिका पुस्तक का रचना करता है, किसका, और पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन के बारे में भी जानकारी देता है। और भारतीय समाज 7 भागों में बटा हुआ था उस समय मौर्य वर्ष के समय, यह भी जानकारी कौन देता है, मेगास्थनीज। और एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम था इंडिका, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा जिसका क्या नाम है, इंडिका। और किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य। किसका दूत बनकर, तो सेल्कुस निकेटर का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करता है, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन करेगा, धर्मपाल, जो कि पाल वंश का शासक है। कौन वंश का, पाल वंश का। अब आपसे पूछेगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे। और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है वर्तमान में था, तो भागलपुर में। और नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करवाए थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को जला करने वाला शासक का नाम है बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी, तनुहानी जनजाति का जो देन था वो निर्णायक था। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब, ध्यान दीजिएगा, मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है, तो मकतूबाते सदी नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा सूफी संत बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, तो फिरदौसी। कौन सा सूफी संत, तो फिरदौसी। शेर खां द्वारा अफगान शासन की पुनः स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ, तो कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को हम बिलग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, 1540 में हुआ, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं को 15 वर्षों के लिए भारत से बाहर ईरान भागकर रहना पड़ा था, निर्वासित जीवन जीना पड़ा था।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666 पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 पटना में। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया? तो गुरु नानक देव। कौन किए? गुरु नानक देव, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह, दसवें गुरु। बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन? तो सैयद अहमद खां। बहावी आंदोलन का भारत में स्थापना किनके द्वारा किया गया? सैयद अहमद खां के द्वारा। सदागत आश्रम, सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था? तो मजरूल हक ने किया था। सदाकत आश्रम मजरूल हक 1920 में किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और पटना में। तो बच्चों, बिहार स्पेशल से ये 20 प्रश्नों का श्रृंखला आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।